फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बात करते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। पंडित जी, कुछ लोग इसको शुभ और अशुभ के साथ भी जोड़ते हैं। बिल्कुल, शुभ और अशुभ के साथ जी। हाँ। ऐसा भी देखा जाता है कि अगर खासकर बिल्ली, जो काली बिल्ली है, रास्ता काट जाए, लोग अपनी ट्रेन, फ्लाइट या अपना जाने का रास्ता तक बदल लेते हैं। बिल्कुल बदल देते हैं जी। तो इसके पीछे क्या मिथ है, क्या है? देखिए, आप इसे मिथ भी कहें या उसे शकुन अपशकुन से भी जोड़कर देखें जी। और शकुन अपशकुन शास्त्रों में इस प्रकार की व्याख्या भी की गई है जी। जैसे दीपावली के दिन की रात्रि को उल्लू का छत पे आकर कहकहाना या उसकी आवाज निकालना बहुत शुभ माना जाता है। दिन के समय में वही उल्लू की अगर आवाज सुनाई दे जाए बहुत अशुभ है जी। हर चीज की शुभता और अशुभता उसके नियम अनुसार देखी जाती है। कुछ धर्मों में बिल्ली बहुत शुभ मानी जाती है जी। और कुछ धर्मों में कुत्ता बहुत सही माना जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कि एक ऐसा धर्म है जहां बिल्ली पाली जाती है जी। इसे क्रिश्चियनिटी से जोड़ करके देखें, विदेशों में बिल्ली पालने का रिवाज है जी। वहीं हमारे भारत में बिल्ली को अशुभता से जोड़ा जाता है जी। इसे हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी देखेंगे और वास्तु के दृष्टिकोण से भी देखेंगे और मिस्टिक साइंस के दृष्टिकोण से देखेंगे। बिल्ली क्या है? बिल्ली राहु है जी। जो आपका दूध पी जाती है, यानी बिल्ली एक ऐसा जीव है जो आपके चंद्रमा को पी जाती है। चंद्रमा जो है वो दूध है जी। और आप चंद्रमा क्या कह देता है? आपके मन का सुख, आपकी शांति और साथ ब साथ के अंदर आपकी शुभता का सबसे बड़ा प्रतीक जी। तो बिल्ली वो एक माध्यम है राहु का, जो आपकी शुभता को हर लेता है। शकुन अपशकुन शास्त्रों में मूलतः जो व्याख्यान है वो है काली बिल्ली का जी। काली बिल्ली मूलतः शनि और राहु का एक फ्यूजन है। इसी प्रकार बिल्ली का आना या बिल्ली का रास्ता काट जाना राहु का गुजर जाना है जी। अशुभता का गुजर जाना है, आपके हिंडरिंग प्लैनेट का गुजर जाना है, जो आपके जीवन में हिंडरिंग यानी कि रुकावटें पैदा करने वाला। तो इसलिए नॉर्मल तरीके से आप अपने काम पे जा रहे हो, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर शुभ काम करने जा रहे हो और बिल्ली रास्ता काट जाए तो निश्चित रूप से उसे थोड़ी देर के लिए टालना चाहिए जी। और उसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप उस पर थूक दें उस जगह पे, या पानी ढोल दें, या अपनी चप्पल आगे कर दें, ताकि वो जो नेगेटिविटी क्रॉस हुई है वो खत्म हो जाए और आपके हिंडरिंग दूर हो जाए जी। लेकिन पंडित जी, सुबह सुबह कई बार लोग काम पर जा रहे होते हैं, या वैसे जैसे मैंने पहले भी बोला, कुछ लोग अपनी फ्लाइट तक मिस कर देते हैं, अपनी ट्रेन या जहां उन्होंने जाना वो मिस कर देते हैं, उसके लिए कोई ऐसी चीज जो हम, जो उसका अल्टरनेटिव हो? बिल्कुल, मैं बताऊंगा। देखिए नेहा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए और अपनी फ्लाइट छोड़ रहा हूं, तो आप एक चीज को देखिएगा, ये लोगों के मन का वहम है जी। आप अपने कॉज को ही छोड़ दें, फ्लाइट लोग घर जाने के लिए तो लेते नहीं है जी। फ्लाइट लेते हैं लोग काम पर जाने के लिए। जब आपका काम ही मिस हो जाएगा तो आप क्या शुभ और शुभ को देखेंगे? इसलिए इतनी ज्यादा भी मिथ ना पाली जाए, इतना ज्यादा भी अंधविश्वास ना फैलाया जाए, और कई लोग इसे फैलाते हैं जी। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव भी है। अगर आप कोई भी स्लीपर या कोई भी आप शू पहने हुए हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट भी गई है तो आप उसे आगे करके उसके बाद में उसे क्रॉस कर सकते हैं। एक कदम ही तो चलना है आपको बिना शू के जी, वो आप चल के उसे क्रॉस कर सकते हैं, तो वो जो अशुभता है वो कट जाएगी। लेकिन उसके चक्कर के अंदर आप अगर अपनी फ्लाइट, अपनी ट्रेन मिस कर दें, इम्पोर्टेंट काम ही मिस कर देंगे, तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा जी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि काली बिल्ली को ही ऐसे क्यों कहा जाता है, मतलब काली बिल्ली को सबसे शुभ क्यों माना जाता है? देखिए, वो राहु और शनि के फ्यूजन का प्रतीक है जी। और आपने देखा होगा कि जहां पर भी काली बिल्लियां बसती हैं वहां और बिल्लियां नहीं होती हैं जी। काली बिल्ली हमेशा आपको सर्वदा अकेली ही पाई मिलेगी जी। उसकी एक स्पेशलिटी है, उसके अंदर शनि और राहु की ऑरा है, और वो जो नेगेटिविटी है वो व्यक्तियों के ऊपर वो डालती है, और वो हमेशा सोलिटरी रहती है। सोलिटरी मतलब अकेली रहती है जी। उसके साथ में और कोई आसपास विराजन नहीं करता। तो चलिए पंडित जी से आज की स्पेशल टिप लेते हैं। नेहा, आज की स्पेशल टिप जो हम दे रहे हैं वो उन मिडिल एज वुमेन के लिए ले रहे हैं जो अपने पति के अट्रैक्शन को खो चुकी हैं। शादी के कुछ साल बाद पति पत्नी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो खो सा जाता है जी। उसका सबसे बड़ा कारण होता है स्त्री बच्चे पैदा करती है। बच्चे पैदा करने के बाद में उसकी सुंदरता कंपैरेटिवली जब वो जवान थी
जब वो अविवाहिता थी तब के कंपैरेटिवली कम हो गई है, तो उस सुंदरता को बरकरार कैसे रखा जाए और अपने पति का आकर्षण कैसे प्राप्त किया जाए, उसका सबसे अच्छा तरीका है दधि स्नान। शास्त्र कहते हैं दही शुक्र का प्रतीक है, अगर दही रेगुलरली 43 डेज तक पानी में मिलाकर उससे स्नान किया जाए या उसका लेप पूरे शरीर में लगाया जाए दही का, तो व्यक्ति बहुत दिन तक जवान रह सकता है और उसकी स्किन ग्लो कर सकती है जी। इसे दधि स्नान कह सकते हैं और इसे शास्त्रों ने औषध स्नान भी कहा है। दही एक तरीके की औषधि भी है जो दूध से निर्मित है, तो दही से मसाज करने के बाद स्नान करने से और उसके बाद आप शैम्पू वगैरह कुछ भी यूज़ करना चाहें, बॉडी सोप सोप वो ज़रूर कर सकते हैं। नियमित रूप से 43 डेज अगर आप दधि स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से सुंदरता पुनः प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी से हम जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे, पंडित जी से सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी और फेसबुक पेज कुंडली टीवी लाइक और शेयर करना ना भूलें।